मुंबई से यहाँ आए 1974 को, तब वहाँ के चॉल सिस्टम थी, तो किसी 25 घर में दो घर में गणपति बैठा करते थे। और उस वक्त हम लोग बचपन में आरती के लिए सब एक साथ जाते थे, ऐसे वहाँ पे वहाँ की जो आदत लग गई। फिर नवी मुंबई जब आ गए तो हमारे बड़े भाई, उनकी इच्छा हो गई कि नहीं, हम यहाँ पे गणपति हम घर पे बिठाएंगे। तो 74 से हम लोग ने गणपति घर पे बिठाना चालू किया, और एक अलग सा, यानी बचपन में ऐसा लगता था एक मेहमान आया है, और हमको बहुत कुछ देखे गया। और ये एक साल तक हो गया, अभी सब खत्म हो गया और वापस आने वाला है और कुछ देखे जाएगा। वो हिसाब से अभी इतने सालों में हमने गणपति का देखा कि हमारे बच्चे भी हो गए तो उनको भी एक आस्था लगी। नीचे भी हमारे बड़े भाई ने ही गणपति की स्थापना की थी सार्वजनिक, और उसके बाद में हमें लगा कि कुछ तो आने वाले युवा पीढ़ी में हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान किस तरह हो सकता है कि हम गणपति बिठाने के टाइम हम दिखाते हैं कि बाबा ये मंदिर वहाँ पे है, उसकी पूजा इस ढंग से की जाती है, वहाँ देवी की पूजा है, वहाँ संतों की भूमि है, ये बताना चाहती है। अभी आजकल आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे युवा पीढ़ी नास्तिक है, नास्तिक जैसी रहती है, उनको मालूम है ये भगवान है। अभी किसी घर के अच्छे अपने अगर बोलेंगे अरे अच्छा पढ़ाई कर, जरा भगवान का दर्शन कर, अरे भगवान क्या करेगा, मेरी पढ़ाई तो मैं करने वाला हूँ। और ये जो वर्ड है ये गलत है, क्यों, भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इसकी जो उपासना करना बहुत जरूरी है। अभी पहले देखो, हमारे युग में 7 बजते ही घर में एक आरती चालू रहती थी, दीवा बत्ती, शुभम करोति कल्याणम वगैरह। अभी बच्चे लोगों को शुभम करोति बोले तो उनको समझ में भी नहीं आता है। आज स्कूल में भी वो, पहले हमारे स्कूल में ऐसी प्रार्थना होती थी, जैसे राष्ट्रगीत होता था वैसी प्रार्थना होती थी। अभी होती कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम 3 प्रार्थना रहती थी, तब हमारे लोगों को पता चलता था कि ये किसकी प्रार्थना है। लेकिन आज क्या हो गया कि बच्चे लोगों को भी, उनके पेरेंट्स लोग किधर डालना है, तो संत तुकाराम स्कूल लिखा, उसका एजुकेशन कितना भी रहेगा अच्छा, तो उधर नहीं जाते। लेकिन सेंट अगस्टीन, सेंट जेवेरियस, फादर एग्नल, उनका वहाँ पे मोड़ जाता है कि नहीं ये स्कूल में मेरे बच्चे को जाना। और हमारी संस्कृति उधर ही बंद हो जाती है, जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए उधर से ही बंद हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ये गणपति में क्या चलता है, कुछ लोग बोलते हैं, हमारे हिंदू लोग ही बोलते हैं ये क्या है, चल रहा है क्या, तमाशा है क्या, आवाज़ है क्या, के लिए ये सब चल रहा है, लेकिन ये गलत है। ये हमारी केवल झंडा लेके घोषणा देके हमारी संस्कृति और हमारा धर्म टिकेगा नहीं, हमारा धर्म इसी तरह शांति से और आगे जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।